अभी हम खटिंगा तालाब में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बाहरी राज्यों के लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना जो घर का चूल्हा जलाते थे। पिछले 1.5 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से इनका कामकाज भी रुका हुआ है, जिस वजह से इनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम जानते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? विद्यानंद पंडित। विद्या जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिक्कत यही है कि जैसे हम लोग फार्म जैसे भरने का आता है, कभी पन्नामा चौक भेजता है, कभी डीसी लाल, कभी पुलिस चौकी जाओ, कभी वो चौकी जाओ, पुलिस वाला मारने दोखता है, नहीं राशन मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। आज 2 महीना तकरीबन में आज 2 दिन से काम कर रहे हैं, दूसरे से पैसा उठा उठा खाता है, लेकिन सरकार तो ये बोलता है कि हम ये दे रहे हैं मजदूर को, वो दे रहे हैं, लेकिन किसी को कोई नहीं सुनता है, कोई ऑफिसर मजदूर को सुनवाई नहीं करता है, रास्ता चलने में पुलिस वाला डंडा मारता है, हम क्या करें सर? आप ही ये आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, आपने वो फॉर्म भी भरे होंगे? सब कुछ भर दिए फॉर्म भरे होंगे। क्या आपको मेल करना आता है या मैसेज पढ़ना आता है जो आपको बताया जा रहा है कि मैसेज आएगा? कुछ नहीं आता है हमको, हम लोग मूर्ख आदमी हैं। कैसे पता चलेगा आपको हमारा कैसे? वही से पता चल ना, मोबाइल भी नया नेट वाले जब मैसेज देखेंगे, छोटा मोटा मोबाइल लगते काम चलाओ के लिए, लेकिन हम लोग को यही है धक्का मार के खाते। जब आप जाते हो वहाँ पे क्या होता है? वो कहता है कि वहाँ पर नमा डीसी लाल को पास जाओ, डीसी लाल को पास आते तो पन्नामा चौक जाओ, फिर दूसरा कहता वो चौकी में जाओ, कभी कहता वो चौकी में जाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। आप यहाँ से पन्नामा चौक जाते हो, रास्ते में कोई आपको पूछता उछता? हाँ पूछता है, पुलिस वाला डंडा भी मार दिया 2-3 जगह, 2-3 बार मार। हाँ 2-3 बार बताया नहीं हम क्यों जा रहे हैं? बोले कि वहाँ पन्नामा चौक जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, कहता भागो गाली दे, पुलिस वाला मारता है, गाली पड़ता है रास्ते में। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, इनके हाथ अभी देख सकते हैं, आज ये काम पे लगे हैं, आज ये हाथ काम पे लगे हैं, ये अपनी मजबूरी के कारण अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि ना ही किसी एनजीओ ने इनकी मदद की। विद्या जी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको किसी ने राशन दिया, चाहे वो किसी बाहरी? कोई राशन नहीं देता है, मान को चलो जो कभी राशन मिल गया तो 5 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चावल, तो वही 5 किलो आटा चावल तो नहीं खा सकते हैं, उसमें पैसा भी चाहिए, तेल मसाला चाहिए, वो कुछ है नहीं तो खाएंगे क्या? 2 दिन से काम कर रहे हैं तो कैसे लोग 6 आदमी खा रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं जो ये मजबूरी है कि ये दिहाड़ी लगाएं और दिहाड़ी लगा के ये पैसे कमाएंगे तो तब इनके घर का चूल्हा भी जलेगा, और कोई दवाई खर्चा या बाकी चीज़ें, बाकी भी बहुत सारे जो इलाज लगते हैं इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उनकी ज़रूरत पूरी हो उसके लिए पैसा बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं 2 दिन से अभी काम पे लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है कहीं ना कहीं वायलेशन जो आम जनता की तरफ से जो की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टाइल्स लगाई जा रही हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। हमने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस दिखाई थी जिसमें कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अभी भी इस दौर में भी चल रही है, जहां एक तरफ लोगों को एक एक दाने के लिए जो है दौड़ भाग करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस सब से कोई परवाह नहीं है, पैसा है, कंस्ट्रक्शन जारी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हर चीज़ उनको अवेलेबल है, जिसके पास पैसा है उसको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो इन जैसे मजदूर हैं इनको पासिस के लिए भी जो है डंडे खाने पड़ते हैं। तो क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है आपको? आप जिस तरह से आप 2 दिन से काम पे भी लगे हुए हैं, आपकी मजबूरी है काम करने? मजबूरी बहुत मजबूरी है सर, डीसी लाल को ऑफिस भी किए, फ़ोन नंबर भी किए, डीसी लाल को वहाँ बोला कि चलो हम राशन भेज दे, या आज तक राशन नहीं भेजा, कम से कम 500 कॉल कर चुके हैं डीसी लाल को, उन चले गाली भी पड़ता है डीसी लाल को ऑफिस से। दो दिन से भुगे थे तो आज मेरे को काम मिला, तो मैं आज एक दिन के लिए बोला था, एक दिन काम था तो मैं आ गया, नहीं तो हमारे को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमको एक बार राशन भी नहीं मिला है खाने के लिए, जब राशन के लिए जाते हैं तो धक्के हमारे कोई उधर कर देते हैं, कोई उधर करते हैं, जो लोकल आदमी होते हैं वो ले लेते हैं राशन। अच्छा जी, हम लोगों को मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। बाहर के राज्यों के लोग तो सब यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि बाहरी राज्य वाले खा गए, उनको मिल गया। हम लोगों को मिला ही नहीं सर, अभी तक हम लोगों को मिला ही नहीं आज तक कुछ भी। आप रिकॉर्ड भी देखिए, जैसे नाम और फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, बस लेके चले जाते हैं, बोलते बस इसके बाद वो आते ही नहीं मुड़ करके। क्या मांग करेंगे? मांग ये सर, हम लोग को खाने पीने के लिए, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग घर चले जाएं, यहाँ रहकर क्या करेंगे, काम हम सब बंद पड़े हैं हम लोगों का। काम कहाँ पे कर रहे हैं? काम कहाँ कर रहे हैं सर, काम तो जिले में घूम रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? काम तो अभी 1-2 दिन से कर रहे हैं फिलहाल, ये यही खाने के लिए चक्कर में, आसपास में कहीं पे भी काम कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है कि ये दिहाड़ी लगाएं जैसे भी लगता है, क्योंकि इनको पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है।
तो वहीं अगर हम बात करें जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस तरह से जिन लोगों के पास पैसा है या जिन लोगों के लिंक्स हैं, जान पहचान है, जिन लोगों की पहुंच है, उन लोगों का कोई भी काम जो है वो नहीं रुका है। जिस तरह से अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वहीं अगर बात करें हम तो जिस भी एरिया में आप जाएंगे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन ज़रूर हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले हो रही है। और ये भी एक अचंभे वाली बात है, जहां लॉकडाउन की बात की जाती है हर जगह नाके होते हैं, हर जगह पूछताछ की जाती है, वहीं अगर बात करें हम सीमेंट सरिया पानी वगैरह ये कहां से उन लोगों तक पहुंच जाता है, वो कौन से दुकानदार होते हैं जो लोग इन लोगों को ये सप्लाई करते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ें पहुंच जाती है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये लगा रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले जो है ये काम चलते रहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ अहमद डेंग, न्यूज़ एयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।